तो हाय गाइस, स्वागत है आपका गेमिंग न्यूज़ के सेकंड एपिसोड में। और ये एक वीकली एपिसोड है जिसमें मैं आपको पिछले एक हफ्ते की सभी बड़ी गेमिंग न्यूज़ के बारे में बताता हूँ। और आज भी मेरे पास काफ़ी सारी न्यूज़ है और मेरे साथ है आशु जेआर। तो हम शुरू करते हैं गेमिंग न्यूज़ के सेकंड एपिसोड को, और उससे पहले आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और गेमिंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए, और बेल आइकन भी दबा लीजिए। तो पहली न्यूज़ आ रही है फोर्टनाइट की तरफ से, जो अब गूगल प्ले स्टोर पर आ चुकी है। अगर आपके पास अच्छा डिवाइस है तो आप उसे इंस्टॉल करके खेल सकते हैं। कंपनी के सीईओ ने बताया है कि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर गेम की कमाई का 30% रख लेते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए एपिक गेम्स ने उसे प्ले स्टोर पर नहीं निकाला था। लेकिन अगर आप कोई भी ऐप वेबसाइट डाउनलोड करते हो तो एप्पल में तो चलेगी ही नहीं, और एंड्रॉयड में भी वो आपको रोकता है कि ये वायरस है, इसे मत डाउनलोड करो, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। और इससे गेम की रेपुटेशन डाउन होती है और लोग उसे इंस्टॉल नहीं करते, इसीलिए उन्हें फोर्टनाइट को प्ले स्टोर पर निकालना पड़ रहा है। ऐप स्टोर पर तो पहले ही निकाल दी थी, गूगल प्ले स्टोर पर अब आ गई है। अब कंपनी का ये भी कहना है कि वो हो सकता है आने वाले टाइम में एपिक गेम स्टोर का एक मोबाइल वर्जन भी निकालेंगे। फिर उससे क्या होगा कि लोग फोर्टनाइट को गूगल प्ले स्टोर की जगह एपिक गेम स्टोर से डाउनलोड करेंगे उस मोबाइल वर्जन से। अगली न्यूज़ कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की तरफ से आ रही है, और एक्टिविजन ने कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप अनाउंस कर दी है। टूर्नामेंट के प्राइसेस टोटल $1 मिलियन के होने वाले हैं। ऑनलाइन क्वालिफायर्स 30 अप्रैल से 24 मई तक चलेंगे, फिर होगी टूर्नामेंट की शुरुआत, और इसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगी। एपेक्स लेजेंड्स सीजन 5 की रिलीज डेट अब 12 मई रख दी गई है, और जब तक ये नया सीजन नहीं आता तब तक प्लेयर्स बैटल आर्मर लिमिटेड टाइम मोड ट्राई कर पाएंगे, जिसमें सभी प्लेयर्स के पास एक जैसा आर्मर और P2020 होगा, और ये उनके पास स्टार्टिंग से ही होगा। मैप में फिर कोई आर्मर स्पॉन नहीं होगा, बस बैटरीज और शील्ड सेल्स मिलेंगे। ये मोड April 28 से स्टार्ट होगा, जिस दिन आर्मर का कलर वाइट होगा, फिर मे 2 को ब्लू होगा, मे 6 को फिर पर्पल आर्मर मिलेगा, और फाइनली मे 9 को ईवो आर्मर मिलेगा, और 12 मई को तो नया सीज़न आ ही जाएगा। आगे बात करें तो कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन फ्री गेम है, इसलिए उसमें हैकर्स बहुत हैं। वैसे तो कंपनी ने 70,000 प्लेयर्स बैन करे हैं, लेकिन हैकर्स की क्वांटिटी बढ़ती ही जा रही है। तो अब कंपनी ने एक सॉल्यूशन निकाला है कि वो सस्पेक्टेड प्लेयर्स को एक दूसरे के अगेंस्ट मैच कराएंगे। अब जेन्युइन प्लेयर्स आराम से गेम एंजॉय कर पाएंगे, और हैकर्स एक दूसरे पर एमबॉट यूज करते रह जाएंगे। और यहाँ GTA 6 को लेकर कुछ और लीक्स आए हैं भाई। रॉकस्टार मैग नाम की एक फ्रेंच फैन साइट है, जिसका ओनर क्रिस लिबर्टी 93 का कहना है कि GTA 6 की स्टोरी तो तभी कंप्लीट हो गई थी जब डैन हाउजर ने कंपनी छोड़ी थी। और ये भी कहता है कि जैसे RDR2 के टाइम पे हुआ था कि स्टोरी पहले लिख दी गई थी, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट के टाइम पे थोड़े थोड़े चेंजेस लाए गए थे स्टोरी में, उसी तरह हो सकता है कि GTA 6 की स्टोरी अभी लिख दी गई है, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट चल रही है वैसे वैसे थोड़े चेंजेस आएंगे। और अगर टेस्ट 2 नाम के लीकर की बात माने तो GTA 6 60-70% कंप्लीट हो गई है, जिसका मतलब ये 3-4 साल की जगह 2021 में रिलीज हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ लीक्स ही हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट्स में बताइएगा। वैसे तो टेस्ट 2 जो है वो काफ़ी ट्रस्टेड लीकर है, लेकिन कह नहीं सकते कि भाई ये कितनी सही बात है कितनी नहीं है। माइकल मैंडो ने रेडिट पर बताया कि उनका रोल वास उनको सबसे अच्छा लगता है, और वो इसे परफॉर्म करने के लिए जल्द ही कुछ करना चाहते हैं। इसका मतलब ये हिंट दे रहे हैं कि फार क्राई 3 से रिलेटेड कुछ आने वाला है। फार क्राई 3 का सीक्वल नहीं हो सकता क्योंकि वास मर चुका है, और फार क्राई 3 रिमास्टर तो PS4 और Xbox One के लिए हो चुकी है। तो हो सकता है कि फार क्राई 3 से रिलेटेड कोई TV सीरीज पर काम चल रहा हो। जिन लोगों के पास एक्सबॉक्स है उनके लिए गुड न्यूज़ है कि RDR2 एक्सबॉक्स गेम पास के लिए आ रहा है, लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि GTA 5 चला जाएगा। चलो कोई बात नहीं, GTA 5 को तो फिर भी बहुत साल हो गए, RDR2 ट्राई करो, नया गेम है। और ये RDR2 सिर्फ कंसोल यूज़र्स के लिए आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि अभी भी जो विंडोज़ यूज़र्स हैं उन्हें स्टीम से या फिर रॉकस्टार गेम स्टोर से पूरा वर्जन खरीदना पड़ेगा। ये मे 7 को आएगा, लेकिन जिनके पास एक्सबॉक्स गेम पास है अभी भी वो इसे प्रीलोड कर सकते हैं। अगली न्यूज़ आ रही है एपिक गेम्स की तरफ से, जिन्होंने बताया फोर्टनाइट के ट्रेविस स्कॉट इवेंट में 12.3 मिलियन कॉन्करेंट प्लेयर्स थे, जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, और अब इन इवेंट्स की वजह से फोर्टनाइट में लोग वापस आ रहे हैं। अगली न्यूज़ आ रही है अनचार्टेड की तरफ से, और इसकी मूवी को लेकर कई सालों से बात चल रही थी। अब फाइनली चीज़ें सॉर्ट हो रही थी जब टॉम हॉलैंड इसमें काम करने के लिए मान गए, और उन्होंने तो ये भी बताया कि इस मूवी की स्क्रिप्ट उन्हें सबसे अच्छी लगी कंपेयर टू द फिल्म्स जो उन्होंने पास्ट में करी हैं। इसका मतलब ये है कि इन्होंने पास्ट में स्पाइडरमैन की मूवीज़ करी है, मार्वल की मूवीज़ करी है, और उनसे भी अच्छी स्क्रिप्ट उन्हें ये लगी, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इससे हमारी भी होप्स बढ़ गई थी कि बहुत बढ़िया फिल्म होने वाली है ये, और इसकी फिल्मिंग भी स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन पैंडेमिक ने सारे प्लान्स बर्बाद कर दिए। हमें लग रहा था कि ये फिल्म फिर से डिले हो जाएगी, लेकिन सरप्राइजिंगली ये मूवी अब जल्दी रिलीज होगी।
पहले ये अक्टूबर 8 2021 को आने वाली थी, लेकिन अब ये 16 जुलाई 2021 को आएगी। और शायद इसीलिए क्योंकि मार्वल का पूरा फेस 4 जो है वो इस लॉकडाउन की वजह से, पैंडमिक की वजह से पूरा हिल गया है। मतलब उसकी सारी जो शेड्यूल्स हैं वो ख़राब हो गए हैं, वो आगे को शिफ्ट हो गए हैं। तो शायद इसलिए कंपनी एस्टिमेट कर रही है कि जब ये पैंडमिक ख़त्म हो जाएगा और लॉकडाउन खुल जाएंगे और वो काम करना शुरू करेंगे तो वो मूवी को जल्दी बना देंगे, क्योंकि टॉम हॉलैंड पे एक ही प्रोजेक्ट होगा फोकस करने के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है होरिजोन जीरो डॉन की तरफ से, और इसका सीक्वल अभी डेवलपमेंट में है। कंपनियां कहना है कि होरिजोन जीरो डॉन एक ट्रायोलॉजी होने वाली है। होरिजोन न्यू डॉन 2 का मैप बहुत बड़ा होने वाला है और ये PS5 एक्सक्लूसिव होने वाली है। इसकी लॉन्च डेट का पता शायद तभी लगेगा जब PS5 रिलीज होगा। Assassin's Creed Ragnarok को लेकर एक लीक आया है कि नए गेम का नाम Assassin's Creed Origins 2 होने वाला है, और इसकी कंसेप्ट थोड़ी Assassin's Creed Rogue जैसी होगी। इसमें हमें Templars की ओरिजिन स्टोरी पता लगेगी, लेकिन ये बहुत अनलाइकली है क्योंकि अब Ubisoft Assassin's Creed Origins 2 जैसे नाम नहीं रखती। वो पहले रखती थी Assassin's Creed 4 Black Flag, लेकिन उसके बाद वो सिंगल वर्ड नेम यूज़ करती है, जैसे कि Assassin's Creed Syndicate या Unity या फिर Origins या फिर Odyssey, और नंबर तो उसने उसके बाद कभी यूज़ ही नहीं किया। तो एकदम से ऐसा नाम रखना थोड़ा अनलाइकली लग रहा है, और ऊपर से टेम्पलार की ओरिजिन स्टोरी तो हमें Assassin's Creed Odyssey के एंड में तक पता लग गई थी। मतलब जिन्हें Assassin's Creed Odyssey की स्टोरी पता होगी तो उन्हें याद होगा कि एंड तक हमें पता लग गया था कि टेम्पलार्स का ओरिजिन कैसे हुआ है, और इसीलिए ये लीक बहुत हद तक फेक लग रहा है। एक नया लीक ये भी सजेस्ट करता है कि Assassin's Creed का रिवील बहुत जल्द हो सकता है। तो लेट्स होप यार ये जल्दी हो जाए यार, और मैं तो बस यही चाहता हूँ कि Assassin's Creed का जो नया गेम हो वो पुराने जो होते थे ना Assassin's Creed 4 Black Flag और Rogue, वैसा कोई गेम हो जाए, या फिर Assassin's Creed 2 जैसा कोई गेम हो जाए, वैसा गेम प्ले मिल जाए यार, और वैसी ही सेटिंग मिल जाए। सही में यार मेरे को नहीं पसंद आते Assassin's Creed Odyssey जैसे ये गेम जो है। और आप में से जो भी Assassin's Creed फैंस ये वीडियो देख रहे हो, आप अपना भी ओपिनियन देना इसके बारे में। तो गाइज़ बस यही थी कुछ मोटी मोटी न्यूज़ जो अभी पिछले हफ्ते में आई थी और हमने ये आपको बता दी। उम्मीद है ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ऐसी और गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। गेमिंग से रिलेटेड सब कुछ बनाते हैं हम इस चैनल पे। तो आप 10 चैनल भले ही सब्सक्राइब करो ना करो, ये चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, आपकी सारी मांगें कंप्लीट होंगी। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गाइज़।